अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबको हमारे चैनल में। आज की न्यूज़ सऊदी अरब में जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके लिए बहुत ही अहम होने वाली है, तो इसलिए आप सब से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप सबको तमाम डिटेल अच्छी तरह समझ आ जाए। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी आप सबको आसानी से मिल जाए, और अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ भी आगे शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस खबर से आगाह हो सके। तो बढ़ते हैं अपडेट की जानिब। पहले सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कारकुन जो हैं वो होशियार हो जाएं, क्योंकि कोरोना केसेस में इजाफे के बाद जुर्मानों में तेज़ी आ गई। सैकड़ों अफराद को मास्क ना पहने पर 1,000 रियाल का जुर्माना होना शुरू हो गया है। के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना से निमटने के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं, ताहम लोगों की जानिब से बेहतियाती के बायस ये मर्ज अभी तक सऊदी सरजमीन से रुखसत नहीं हो सका। ममलिकत में एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, जिससे कोरोना की दूसरी लहर आने का खदशा है। इस हवाले से सऊदी वजारत दाखिला ने खबरदार किया है कि अवामी जगहों पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क पहनना और समाजी फासले जैसी फासी तदाबीर और प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उसके मुताबिक वजारत दाखिला ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि कोरोना वायरस से मुख्तलिफ हिफाजती पॉलिसी पर अमल दरामद से जानबूझकर इनकार करने वालों को 1,000 सऊदी रियाल भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। भारी जुर्माने की सज़ा जिन हिफाजती तदाबीर की मुखालफत पर दी जाएगी, इनमें मास्क ना पहनना, समाजी फासला बरकरार ना रखना, जिस्मानी दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना, हिफाजती इकदाम पर अमल ना करना शामिल है। वजारत दाखिला ने इब्तदाई तौर पर मई में एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के हशे के पेशे नज़र फैसले पर नज़र की जा रही है कि सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक अगर अवाम ने आलमी वबा की रोकथाम से मुतालिक हिफाजती इकदाम को नज़रअंदाज किया तो कोरोना वायरस केसेस की तादाद में एक बार फिर इजाफा हो सकता है। वजीर सेहत ने बताया है कि इस वक्त मुतहद ममालिक कोविड-19 इन्फेक्शन की दूसरी लहर से गुजर रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह सैकड़ों अफराद का हिफाजती इकदाम पर अमल पैन ना होना और मास्क के इस्तेमाल से गुरेज है। ट्विटर पर एक पैगाम में डॉक्टर ने हिफाजती इकदाम पर अमल दरामद की अपील की है। हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं, किसी एक फर्द की गलती से तमाम अफराद के मुतासिर होने का हादसा है। ये वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में मुकीम हैं उनके लिए लाजमी है कि वो मास्क और समाजी खास तौर पर ख्याल रखें, वरना उनको भारी जुर्माना 1,000 रियाल जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट जो आप सबके साथ शेयर की गई है। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में, तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।